हेलो एवरीवन, द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज मॉडिफिकेशंस ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। या आपके सिलेबस में स्केलेटल चेंजेस ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर के नाम से ये टॉपिक मेंशन है। तो इसमें हमने एक्चुअल में क्या देखना है कि ह्यूमन बीइंग जब इरेक्ट पोस्चर ह्यूमन बीइंग ने अडॉप्ट किया तब उसको एक्चुअल में मैन कहा जाने लगा। तो जब वो मैन बना यानी जब उसने बायपेडलिज्म शुरू करा तो क्या ऐसे उसकी बॉडी में स्केलेटल लेवल पे चेंजेस आए जिसकी वजह से वो अपने आप को उस वर्टिकल पोजीशन में खड़ा होने में अडॉप्ट कर पाया, बायपेडल मतलब दो पैरों पे चलने में अपने आप को अडॉप्ट कर पाया। तो चेंजेस देखेंगे वो हम ऊपर से नीचे तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कल में क्या चेंजेस आए। इस चेंज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फॉरमेन मैग्नम के बारे में। फॉरमेन मैग्नम एक लार्ज ओवल ओपनिंग है जो ऑसिपिटल बोन होती है ह्यूमन की, मतलब जो माउथ के साइड पे हमारे जो प्रेजेंट होती है ऑसिपिटल बोन उसके पास में उसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है एक ओवल ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसको फॉरमेन मैग्नम बोलते हैं। ये उसके थोड़े डोर्सल पोजीशन पे प्रेजेंट होती है। तो इस ओपनिंग से हमारा ब्रेन और जो हमारा स्पाइनल कोड है वो कनेक्ट होता है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है देख सकते हैं आप इस डायग्राम में कि ये ओवल ओपनिंग होती है। तो इस ओपनिंग से ब्रेन और वर्टेब्रल कॉलम स्पाइनल कोड जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो इसकी पोजीशन जो है ह्यूमन बीइंग में थोड़ी सेंट्रल पोजीशन है। सेंट्रल पोजीशन होने की वजह से क्या है कि जो स्कल है वो अपनी वर्टिकल पोजीशन को अडॉप्ट कर पाता है, अपने आप को वर्टिकल पोजीशन में रख पाता है। जबकि स्मॉलर एनिमल्स चिंपैंजी वगैरह में अगर हम देखते हैं तो ये जो इसकी पोजीशन होती है थोड़ी सी टिल्टेड पोजीशन होती है जिसकी वजह से मतलब थोड़े एंगल पे पोजीशन होती है जिसकी वजह से जो नेक है वो अपने आप को सीधा खड़ा नहीं कर पाती है। तो वर्टिकल पोजीशन वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये होगा फोरमेन मैग्नम का चेंज। इसके बाद देखते हैं कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ह्यूमन स्कल और चिंपैंजी स्कल आप देख सकते हैं। चिंपैंजी का जो स्कल है इसमें जो इसका माउथ है वो थोड़ा उभरा हुआ है और ह्यूमन बीइंग में ये चेंज आता है कि जो हमारे मैक्सिला और मैंडिबल है हमारे जो टिथ जिसको हम कॉमनली कहते हैं ये जो हमारा उसको टिथ जो है वो अंदर की तरफ है। तो ये अंदर की तरफ होने की वजह से जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सेंट्रलाइज्ड हो जाता है जिसकी वजह से जो माउथ का जो वेट है वो बाहर की तरफ उभरने के बजाय थोड़ा अंदर की तरफ होता है जिसकी वजह से हमारा जो फेस का स्कल है वो वर्टिकल पोजीशन को अडॉप्ट कर पाता है और इन एनिमल्स का नहीं कर पाता इनके माउथ के ज़्यादा वेट की वजह से और वो भी बाहर की तरफ उनके वेट की वजह से। तो ये जो चेंजेस हैं मेजरली स्कल में चेंजेस आते हैं। स्कल में और भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो जैसे कि ये सुप्रा ऑर्बिटल रीजन आप देख सकते हैं कि जो आँख के ऊपर इनकी आँख जो होती है वो थोड़ी उभरी हुई होती है। ये भी अपने इस माउथ की इनके साइज़ जो होता है उसको ही अडॉप्ट करने के लिए इनके में ये होता है। लेकिन हमारा ही अंदर जब हमारा माउथ अंदर की तरफ चला गया है हमारे मैक्सिला एल मैंडिबल जो है वो अंदर की तरफ जाने की वजह से हमारा ये सुप्रा ऑर्बिटल रीजन आँख के ऊपर वाली जो रीजन होता है वो भी थोड़ा अंदर की तरफ है इनके कंपेरिजन में। तो यही मेजरली चेंजेस आए हैं ह्यूमन बीइंग के स्कल में। इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस आए हैं। सेकंड चेंज जो आया है वर्टेब्रल कॉलम में आया है। ह्यूमन बीइंग के 33 वर्टेब्रा होते हैं। तो सबसे पहला जो वर्टेब्रा होता है जिसके ऊपर हमारा जो स्कल है वो बैलेंस्ड है उसको एटलस बोलते हैं। तो वो एटलस इस तरह से अडॉप्ट हो चुका है कि वो हमारे स्कल के वेट को अडॉप्ट कर पाए, हमारे स्कल के वेट को हम उसके वर्टिकल पोजीशन को अडॉप्ट कर पाए। ये चेंजेस आए हैं उसमें। और जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं विसरल ऑर्गन्स बोला जाता है जिन्हें, वो अपने वेट की वजह से ये टेंडेंसी रखते हैं कि वो बाहर की तरफ आने की फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने की कोशिश करते हैं। तो उसको अडॉप्ट करने के लिए कि वो बाहर की तरफ ना आए वर्टिकल पोजीशन को स्टैंड कर सके तो उसके लिए भी वर्टेब्रल कॉलम में चेंजेस आए हैं। एक तो ये वर्टेब्रल कॉलम की एक वर्टेब्रा की आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये होता है और इसमें जो है इलास्टिक लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग के वर्टेब्रा में इलास्टिक लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि कि वो इसके बाहर जाने से विसरल ऑर्गन्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से रोक सके और इसके अलावा जो भी बॉडी प्रेशर डालती है उसको अडॉप्ट कर सके। तो और इसमें इलास्टिक और इसमें जो दूसरा चेंज आता है वो इसकी पोजीशन की वजह से आप देख सकते हैं कि वर्टेब्रा में काफ़ी सारे प्रोजेक्शंस हैं। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये ग्रेविटी को सेंट्रलाइज करने की टेंडेंसी रखते हैं कि वेट जो है वो सारी डायरेक्शंस में फैल जाए जिसकी वजह से जो है ग्रेविटी सेंट्रलाइज हो सके और वो ह्यूमन बींग के वर्टिकल पोजिशन को वो अडॉप्ट कर सके। तो ये बेसिकली चेंजेस आते हैं। उसके बाद थर्ड जो चेंज आता है वो हमारे थोरेक्स में आता है। थोरेक्स में जो थोरेक्स का ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो डोर्सो वेंट्रल डायमीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है ताकि वर्टिकल पोजीशन को अडॉप्ट किया जा सके। इसके अलावा पेल्विस में चेंजेस आते हैं। पेल्विस के चेंजेस में अगर हम देखें तो ये तो पेल्विस की स्ट्रक्चर है, आप अपने आंसर में इसको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।
और ये जो है हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक मैं आपको बता दूंगी, तो उसमें आपको ये अच्छे से हैंड रिटन डायग्राम्स में आप अपने आंसर्स में ये बता सकते हैं कि ये पेल्विक गर्डल की अगर स्ट्रक्चर है तो इसमें देख सकते हैं आप ईलियम जो है वो थोड़ा सा ह्यूमन बींग में जो छोटा होता है, ब्रॉड होता है, ताकि जो है एसेटाबुलम नीचे आप देख सकते हैं इसमें एसेटाबुलम जो है वो ज़्यादा थिकर हो सके, और जो उसके बाद इस क्योंकि एसेटाबुलम में जो हमारी फीमर बोन है उसने अटैच होना होता है, तो फीमर बोन ह्यूमन बींग्स में कंपेरेटिवली ज़्यादा लॉन्गर होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ताकि वो जो वर्टिकल पोजीशन है ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग का सारा वेट उस बोन ने उठाना है, तो वो बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, तो ईलियम की पोजिशन और ईलियम जो है वो ज़्यादा छोटा और ब्रॉड इसीलिए हो जाता है ताकि वो एसेटाबुलम को स्पेस मिल सके, एसेटाबुलम भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके ताकि वो लॉन्गर फीमर बोन को अडॉप्ट कर सके अपने अंदर, फीमर बोन को ले सके। तो ये चेंजेस आते हैं, फीमर बोन जो है वो ह्यूमन बींग ज़्यादा लॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होती है, ये भी एक चेंज होता है। इसके अलावा आप फीमर बोन का यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये होती है फीमर बोन। इसके अलावा लिम्स में चेंजेस आते हैं, लिम्स में चेंजेस ये आते हैं कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं जिन्होंने बाइपेडलिज्म नहीं करना होता, जो क्वाड्रीपेडल होते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनके जो चारों के चारों लिम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ के होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में जो फोर लिम्स होते हैं उन्होंने तो अब फिर स्टैंड करने में तो कोई पार्टिसिपेट करना नहीं है, तो फिर ह्यूमन बींग्स के जो फोर लिम्स होते हैं वो कंपेरेटिवली हिंड लिम्स से छोटे होते हैं और हिंड लिम्स जो है वो बड़े होते हैं। फिर फीमर की बात करते हैं, फीमर जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा फीमर की बैक साइड पे रफ रिजेस प्रोसेस होते हैं जिसको लीनिया एस्पेरा बोला जाता है, ये भी अडॉप्ट करते हैं वर्टिकल पोजीशन को। इसके अलावा एक्सटेंसर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से भी फीमर जो है वो सीधे खड़े होने में हेल्प कर पाता है। इसके अलावा फुट में चेंजेस आते हैं, फुट का जो फंक्शन है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है जब ह्यूमन बीइंग एक मैन बना है, मतलब जब उसने बाइपेडलिज्म को अडॉप्ट करा है, तो पहले तो जा इनका जो फंक्शन होता था वो ग्रेस्पिंग का होता था, लेकिन अब जो हमारे फुट का फंक्शन हो चुका है वो सारी की सारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो इससे रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं वो है लेस अपोजिबिलिटी ऑफ द ग्रेट टो। हमारा जो ग्रेट टो है पहले हमारे थंब की तरह अपोजिबल हुआ करता था, जो जिसकी अपोजिबिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। इसके अलावा टेंडेंसी टुवर्ड्स मोनोडक्टलिज्म, मतलब पांच फिंगर्स हैं, उन पांच फिंगर्स का अब हमारा जो पैर की फिंगर्स होती हैं उनका कोई खास फंक्शन नहीं रहा, तो धीरे धीरे वो जो है रिड्यूस होती जा रही हैं और मोनोडक्टलिज्म की तरफ जा रही है, मतलब एक बनने की तरफ जा रही हैं। इसके अलावा द हील बोन विच इज़ द कैल्शियम, वो भी ज़्यादा लॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बन रही हैं क्योंकि उसको भी बॉडी का सारा का सारा जो वेट है वो उठाना है। इसके अलावा फोर आर्म्स ऑफ द मैन आर कंपेरेटिवली शॉर्टर दैन द एपीज, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। फिर इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट कि रिसर्चर्स बताते हैं कि सबसे पहले जो चेंजेस आए वो पेल्विक गर्डल में आए, फिर फीट में आए, फिर स्कल में आए, और इन चेंजेस की वजह से ही ह्यूमन बींग जो है वो बाइपेडलिज्म को अडॉप्ट कर पाया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच।